दोस्तों एक बहुत बड़ी रिपोर्ट आई है भारत के परमाणु हथियार और भारत के परमाणु मिसाइलों के बारे में। दोस्तों ये खुलासा अमेरिका ने किया है कि भारत ने अपने सभी परमाणु मिसाइलों को जो पाकिस्तान को टारगेट बना के बैठी थी वो अब चीन को टारगेट बनाकर बैठ चुकी है। इतना ही नहीं दोस्तों, भारत अपने सबसे बड़े और घातक परमाणु मिसाइलों का इस्तेमाल कर रहा है और साथ ही इस रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि भारत की वो कौन कौन सी मिसाइलें हैं जिसकी वजह से चीन भारत से काफी डरा हुआ है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको अमेरिका के इस रिपोर्ट के बारे में पूरे विस्तार से बताएंगे, तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। दोस्तों अमेरिका का एक बहुत ही बड़ा जाना माना वेबसाइट है जिसे बुलेटिन ऑफ द एटॉमिक साइंटिस्ट के नाम से जाना जाता है और ये वेबसाइट दूसरे विश्व युद्ध के बाद से ही लगातार दुनिया भर को दुनिया में हो रहे एटॉमिक रिसर्च और परमाणु हथियार की जानकारी देता आ रहा है। इसने एक नई रिपोर्ट बनाई है जिसमें कहा गया है कि भारत ने गलवान घाटी में हुई खूनी झड़प के बाद से ही अपने सभी परमाणु मिसाइलों को चीन के खिलाफ तैयार कर लिया है। चीन के शहरों को निस्तबूत करने के लिए पहले इन मिसाइलों को पाकिस्तान और चीन के खिलाफ डिजाइन और बनाया गया था। चीन को सिर्फ डराने के लिए भारत ने इन मिसाइलों को बनाया था, पर अब भारत काफी सचेत और प्रैक्टिकल चीन के खिलाफ हो गया है। कहा यह जा रहा है कि भारत 3 से 4 ऐसे नए हथियारों को बना रहा है जिनका इस्तेमाल भारत सिर्फ चीन के ऊपर ही करेगा। दोस्तों इस रिपोर्ट में ये भी दावा किया गया है कि जो भारत के पास 8 मिसाइल ऐसे हैं जिससे कहीं भी कभी भी परमाणु हमला किया जा सकता है। इसमें हवा से हवा में मार करने वाली 2 मिसाइल, जमीन से दागने वाली 4 बैलिस्टिक मिसाइल और 2 समुद्र से दागने वाली मिसाइल शामिल है। और इसके अलावा भारत के 3 और मिसाइल अभी भी विकास स्थिति में चल रहे हैं। इसके अलावा तेजी से परमाणु वॉरहेड ले जाने वाली मिसाइल का निर्माण भारत के DRDO कर रहे हैं। इस रिपोर्ट में जिस चीज के ऊपर ज्यादा बताया गया है वो है अग्नि 6, अग्नि 5 और K4 सागरिका मिसाइल। इस रिपोर्ट में ये कहा गया है कि अग्नि 6 का विकास अब अंतिम दौर में चल रहा है, जल्द ही अग्नि 6 का निर्माण कार्य खत्म हो जाएगा और उसके बाद ये भारत की सबसे घातक और ताकतवर मिसाइल होगी जो चीन के कहीं भी और किसी भी देश पर अधिक परमाणु वॉरहेड के साथ हमला करेगी। और इस रिपोर्ट में अग्नि 5 के लिए ये कहा जा रहा है कि DRDO अग्नि 5 का एक पनडुब्बी संस्करण बना रही है। दोस्तों चीन सबसे ज्यादा भारत की जिस मिसाइल से डरता है वो है K4 सागरिका मिसाइल। K4 सागरिका मिसाइल को पनडुब्बी से दागा जाता है। K4 सागरिका बहुत ही घातक मिसाइल है। इस मिसाइल का पता लगाना नामुमकिन है। इस मिसाइल को भारत के अलग अलग घातक पनडुब्बी जैसे INS अरियन और भी कई पनडुब्बियों से दागा जा सकता है और चीन ना तो इसे डिटेक्ट कर सकता है और K4 सागरिका अपने साथ कई मात्रा में परमाणु वॉरहेड ले जा सकता है। K4 सागरिका मिसाइल चीन के किसी भी शहर को आराम से नर्क बना सकता है। इस रिपोर्ट में ये कहा गया है कि अग्नि 6 वो मिसाइल होगी जो आने वाले समय में चीन और यूरोपियन कंट्रीज को काफी ज्यादा डराएगी, क्योंकि अग्नि 6 अग्नि 5 से कई ज्यादा परमाणु वॉरहेड और 10 से 12 हजार रेंज वाली भारत की पहली परमाणु बैलिस्टिक मिसाइल होगी। अग्नि 6 MIRV कैपेसिटी वाला मिसाइल होगा जो अपने साथ 10 MIRV और MARV परमाणु वॉरहेड ले जाने में सक्षम होगा। दोस्तों मेरे ख्याल से भारत ने चीन के खिलाफ ये बहुत बड़ा और एकदम सही फैसला लिया है। आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आप हमसे इंस्टाग्राम और फेसबुक में जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक में जरूर फॉलो करें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल टेक्नोफीरिया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बगल में जो बेल आइकन है उसे भी ऑल में क्लिक कर ले ताकि हमारी आने वाली नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही इस बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।